चाहिए भाई, वैसे टीवीएस को टक्कर दिया इसने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास आप देख सकते हो दो गाड़ी बाइक्स आ चुकी हैं हमारे पास। एक हमारे पास है एकदम न्यूली लॉन्च बजाज की तरह से पल्सर N150। आप लग रहा है कि आज पहली बार में अभी मतलब अभी इसकी बुकिंग भी स्टार्टेड नहीं है और हम लोग के पास आ गई है। और जिसको भी बुकिंग करानी है 30 तारीख से इसकी बुकिंग लखनऊ में अवेलेबल है, जेपीएस बजाज पे करा सकते हैं, जाके बुकिंग करा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये N160 की तरह कुछ लग रही है, बट N160 जो आती थी वो ऑयल कूल्ड के साथ आती थी, और ये जो N150 आ रही है एकदम चेंज हो चुका है, इसका इंजन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ये एयर कूल्ड के साथ आती है और ये सीसी की बात की जाए 150 सीसी के साथ आती है, वो 160 की आती है। और ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है और फ्रंट में रियर में डिस्क ब्रेक और पीछे में डिस्क ब्रेक नहीं, आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल फ्री। लेकिन तभी आप देख सकते हो इसका बोला जाए, जैसे बजाज बताता है कि इसको जो पल्सर की आती थी 150 उसकी जगह पे जनरेशन 3 के हिसाब से इसको अपग्रेड करके से लाया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग आप पल्सर चला के 150 काफ़ी बोर हो गए, तो पल्सर ने सोचा बजाज ने कि आप लोग कुछ नया लाएं उसी रेंज में और उसी पावर में, उससे अच्छी पावर है। आप मीटर देख सकते हो कितना प्यारा सा दे रखे हुए हैं और सामने LED हैलोजन मिलता है और सॉकर्स आप देख सकते हो वही पुराने वाले मिलते हैं, अप एंड डाउन नहीं मिलते हैं इसमें, सॉकर्स पुराने वाले हैं। और ये देख लीजिए बाइक का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और अपने पास दूसरी खड़ी अपाची 4V TVS की तरफ से 160। तो आज हम इन दोनों बाइक्स की करने में ड्रैग देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं TVS 160 4V वर्सेस बजाज की N150, ना कि N160। आपको फिर से बताएंगे हमारे पास N150 आपको दिखा दें, ये लिखा हुआ है हमारे पास N150। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपको लेकर चलते हैं सीधा ड्रैग पर, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो चलिए आइए, आपको मिलते हैं बाइक पर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने अपाचे पे और अपने आशीष भाई आज के N150 पे, देख सकते हैं N150, देखते क्या होता है। और बाइक जा चुकी है सुपर मोड पे और करते हैं इसको सॉरी स्टार्ट, देखते क्या होने वाला है। सही है भाई, वैसे TVS को टक्कर दिया इसने। अबे भाई साहब, अच्छा बेटा मौका दे रहे हो भाई, इसके 5 गियर पड़ चुके हैं और रजनीश भाई ने इसका मौका दिया फ्रेंड में, तो मतलब लॉन्चिंग काफी अच्छी थी। बट अभी रंजीत भाई ने मौका दे दिया इसको एंड इनको मौका भारी पड़ सकता है, क्या कहती है हमारी यूट्यूब फैमिली 104 105। भाई विंडलास बहुत ज़्यादा है, क्या बात है।
अपाचे तो भाई विन हो गई है आराम से फोर व्हील, क्योंकि भाई ये 160 सेगमेंट की आ रही है वो 150। और कैसा लगा भाई? 14 से 15 जा रहा है टॉप एंड। अभी इधर से काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है। अब ये नहीं जा रही, 120 नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे विंड ब्लास्ट की वजह से थोड़ा बाइक स्पीड नहीं आ रही। यहाँ पे राइडर स्विच करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। N160 है तो भाई जाहिर सी बात है N150 है और इधर ये 160 है, तो थोड़ा तो डिफरेंट रहेगा। टॉप एंड यही अचीव करेगी। तो चलिए इनिशियल काफी अच्छा है। इनिशियल चलिए जल्दी चलाते हैं हम। अब चलिए चलिए हम स्टार्ट, हम आ चुके हैं N150 पे, आशीष भैया 4V पे। चलिए सर। अबे भाई, अबे न्यूटन हो गई थी यार, अबे न्यूटन हो गई थी। रजनीश भाई पीछे रह गए आपने। भाई को थोड़ा मौका दे देते, जाओ भैया जाओ, निकलो निकलो निकलो। 100 पे रोके हुए रंजीत भाई आगे निकल गए हैं, देन चलते हैं, क्योंकि भाई इधर तो विंड ब्लास्ट काफी ज्यादा है। ज्यादा होता है ना, एक हद से ज्यादा है। देख लो भाई 115, 16, 17, बताओ भाई ये 120 नहीं जा रही है, क्या मतलब है भाई, जो 132-133 के आसपास जाती है। मैं डाउन करता हूँ, फिर से रंजीत को आगे निकलने देता हूँ थोड़ा। रंजीत भाई निकल के आगे एंड देन चलते हैं अभी। भाई साहब आपने यहाँ पे देखा भाई, लेकिन ये एक बात है, इसमें पावर इग्निशियल भाई बहुत लगता ही नहीं कि 150 बाइक चला रहे हैं वाली, जो N150 आई है। इग्निशियल बहुत अच्छा है, टॉप एंड अपने हिसाब से बहुत सही है इसका, 150 सही है यार, 120 तक की टच। और मेन चीज की ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, फ्रंट ब्रेक बहुत प्यारी लगी, जैसे जिस हिसाब से बाइक को चलाते हैं। तो यार आपने देखा यहाँ पे ड्रैग क्या हुआ यहाँ पे भाई, अपाचे 4V माना विन है, लेकिन यहाँ पे N150 जो है
ये काफ़ी बेटर है 150 सेगमेंट में, मेरे हिसाब से 150 सेगमेंट काफ़ी अच्छी बाइक लगी मुझे ये। तो यहाँ पे विन तो हो रही है 4V बट 150 चला के। तो आपको कैसे लगी ड्राइव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपको अगर बाइक लेना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं DM के लिए डायरेक्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन बाय बाय, बी सेफ राइड की, अच्छे से राइड कीजिए। ओके बाय, लव यू, आप लोग प्यार देते रहिए।